वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया की सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारों का कब्जा होगा। जी हाँ, आने वाले कुछ सालों में आपको पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां ना के बराबर देखने को मिलेंगी। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा कैसे होगा, तो चलिए इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया एक दिन में लगभग 100 मिलियन बैरल्स पेट्रोलियम की खपत करती है और ये आंकड़ा आने वाले दिनों में बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा। ऐसे में अगर हम इसी हिसाब से ऑयल का कंजम्पशन करते रहें तो अगले 40 से 45 सालों में पेट्रोलियम पूरी दुनिया से समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम के इस बढ़ते हुए संकट को रोकने के लिए IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपने सदस्य देशों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन पर फोकस करने को कहा है, जिससे 2030 तक दुनिया में होने वाले ऑयल कंजम्पशन में प्रतिदिन 5 मिलियन बैरल्स की गिरावट देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि IEA पूरे विश्व में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है, जिसकी स्थापना वर्ष 1973 से 74 में हुई थी, जब पूरी दुनिया तेल के बढ़ते हुए संकट से जूझ रही थी। आज पूरी दुनिया में कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी तेजी से हो रहा है। आज चाइना विश्व में इलेक्ट्रिक कार बनाने और बेचने के मामले में नंबर एक है। नंबर दो और तीन पर यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स का नाम आता है। दोस्तों, अगर हम ये कहें कि आज दुनिया में आधे से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें अकेले चाइना की सड़कों पर दौड़ रही हैं, तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ तक कि चाइना पूरी दुनिया में चलने वाली 60% इलेक्ट्रिक कार अकेले ही एक्सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, मौजूदा समय में भारत में इलेक्ट्रिक कार का सेल्स साल 2022 की तुलना में 3 गुना बढ़ा है और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत जल्द टेस्ला भारत में अपनी दूसरी सबसे बड़ी गीगा फैक्ट्री लगाने जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक कार के साथ साथ लिथियम आयन बैटरी का निर्माण होगा, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक कार का फ्यूचर भारत में और भी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि साल 2022 में पूरी दुनिया में 10 मिलियन इलेक्ट्रिक कार का सेल्स हुआ, जो 2023 में बढ़कर 15 मिलियन होने का अंदेशा है। ऐसे में हर एक कार कंपनी अब इलेक्ट्रिक कार के प्रोडक्शन को ज़्यादा तवज्जो दे रही है, क्योंकि ये कारें 100% इको फ्रेंडली होने के साथ पेट्रोल और डीजल के मुकाबले काफ़ी सस्ते होंगे।